मरुधरा में तपती गर्मी के बीच अगले साल होने वाले चुनाव ने सियासी पारा कुछ ज्यादा ही तल्ख किया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सूबे में मजमा लगना शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस बड़े स्तर पर चिंतन मनन करने जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ यानी जोधपुर हॉट टॉक का पॉइंट बना हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार जोधपुर से मोर्चा संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री गहलोत को आड़े हाथ ले रहे हैं। जोधपुर में हाल ही में हुई घटना को लेकर शेखावत ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यूज घटना के दिन शाम को आए थे NDTV में, ABP में और TV18 में, फर्स्ट इंडिया में, कहा कि गृह मंत्री जी से कहा है कि इन 5-6 प्रदेशों में दंगों की जांच करानी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। करौली और जोधपुर में जो घटनाएं हुई है, इन घटनाओं की जांच CBI को दे दीजिए। निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा, सत्य उद्घाटित हो जाएगा। देखिए, जिस तरह की FIR दर्ज कराई गई, इंडिविजुअल कोई FIR दर्ज कराता है वो उसका राइट है, वो कुछ भी लिख सकता है। लेकिन अगर प्रशासन FIR दर्ज कराए और वो FIR सत्य से परे हो तो संदेह जो है वो अपने आप से प्रमाणित हो जाता है। जिस तरह की FIR दर्ज हुई है, चाहे वो कबूतरों का चौक सोना जो है सोनारों का बास की FIR हो, चाहे जालोरी गेट की मुख्य घटना के दिन की FIR हो, उन दोनों FIRs को और हकीकत को, आप सब मीडिया चैनल के लोग बैठे हैं, एक बार दोनों को आमने सामने रख करके आप देखिए। घटना के वीडियो आप सबके पास में, आपके सबके चैनल्स ने चलाए हैं, आपने रिकॉर्ड किए हुए भी हैं, पब्लिक के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए भी हैं और सरकारी कैमरों के द्वारा रिकॉर्ड हुए भी। उन वीडियोस में जो दिख रहा है और जो FIR में पुलिस के SHO ने FIR दर्ज कराते हुए लिखा है, अगर उसमें 19-20 का फर्क होता है तो शायद मुझे समझ में आ सकता है कि वो मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि उसमें कुछ कहीं चूक हुई होगी। लेकिन जो नहीं है उसको दिखाना और जो उसको लिखाना और जो हुआ है उसको छुपाना, ये इस बात का परिचायक है कि प्रशासन भी किसी न किसी अदृश्य दबाव में काम कर रहा है और उस अदृश्य दबाव को खोजने की जिम्मेदारी आप सब मित्रों की है। निर्दोष लोगों को भी काफी फंसाया गया है, क्योंकि हमने सरकार पर 5 इंटरव्यूज थे, उनमें से लगभग सभी इंटरव्यूज में उन्होंने या तो इन सब घटनाओं के लिए RSS और BJP को जिम्मेदार ठहराया है या मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन देश की जनता जानती है कि कौन लोग ऐसे विषयों के ऐसी मानसिकता को प्रश्रय देते हैं। मैंने तो TV चैनल में भी आज तक के प्रलोक जब मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनसे भी कहा कि भारत की राजनीति को इस दृष्टिकोण से समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक मजहब विशेष के लोग जब जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से दूर हुए छिटके, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में लोग छिटक करके सपा और बसपा के साथ में गए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जड़ से समाप्त हो गई। इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में भी दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाए। ठीक ऐसी स्थिति वेस्ट बंगाल में, ऐसी स्थिति बिहार में, ऐसी स्थिति केरल में, आप एक पूरी सीरीज देख सकते हैं। जिन प्रांतों में दंगे हो रहे हैं, जिनकी चर्चा, जिनको मेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, इन सारे प्रांतों में अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कौन अपरोक्ष रूप से इन ताकतों को हवा देता है और ऐसे विषयों को हवा देता है। मुझे लगता है कि इस विषय को इस दृष्टि से भी खोज करने की आवश्यकता, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एजेंसीज अपने तौर पर करती हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते इस दृष्टिकोण से इस विषय की समीक्षा करने का आग्रह मैं आप सबसे भी करूंगा। अगर हमारे अपने शहर में भी कहीं न फैलाओ, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ में होनी चाहिए।
जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने उपद्रव किए, क्योंकि मैंने पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि ये दंगा नहीं था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये दंगा नहीं था, लेकिन उनकी दंगे की परिभाषा अलग है कि 10 लोग मरते हैं तब या 5 लोग मरते हैं तब दंगा होता है। मेरा तो विषय इतना था कि दंगा तब होता है जब दो पक्ष आमने सामने लड़ रहे हैं। यहाँ कोई दो पक्ष नहीं थे, जितनी भी घटनाएं हुई कमोबेश सभी घटनाओं में एक ही पक्ष था। और जोधपुर जैसे शहर में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सौहार्द का कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि जोधपुर के ब्राह्मण समाज ने यह जानते हुए कि ईद और परशुराम जयंती एक दिन में आ रही है, इसके चलते उन्होंने अपने कार्यक्रम को 2 दिन पहले प्रीपॉन किया, खुद ने आगे चल करके सारे झंडे हटाए, सब कुछ हुआ, उसके बाद में छोटे से विषय को लेकर के जिस तरह से तूल दिया गया और बाद में जिस तरह की अराजकता की गई और 3 तारीख को सुबह जिस तरह का बलवा जोधपुर शहर में किया गया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किन्होंने उकसाया है, किन लोगों ने इस तरह की आग जोधपुर में लगाई है, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैंने अभी आज क्योंकि मैं निकल रहा था इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में भी, जिला कलेक्टर के साथ में, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में बैठक की है। जोधपुर में ये तनाव अब लगभग समाप्ति की ओर है, सामान्य जीवन की तरफ हम लोग बढ़ें और वापस हमारा शहर उसी जीवंतता को प्राप्त करे, उस दिशा में हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए, ऐसा मैंने अभी अधिकारियों से भी कहा है। लेकिन साथ ही साथ में सख्त निर्देश इस बात के भी दिए कि जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने बदमाशी की, जिन लोगों ने इस जो है जोधपुर शहर के मुंह पर, जोधपुर की तासीर के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है,